नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मान्य और डिजिटल न्यूज़ एमडे में। दोस्तों बात करने वाले हैं विकास सिकोटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल टाइम यहाँ पे देखा जाए तो शेयर में अच्छी खासी जो रिकवरी का जो दौर है वो यहाँ पे देखने को लगातार देखने को मिल रहा है। इस बीच यहाँ पे देखा जाए तो रिटर्न्स में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब इस बीच दोस्तों कल मंडे को यानी कि किस प्रकार का फंडामेंटल नजर आ सकता है और क्वार्टर फोर को लेकर क्या बड़ी एक्सपर्ट की राय यहाँ पे देखने को मिल रही है, किस प्रकार का फंडामेंटल यहाँ पे रिकवर होता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों, उसी प्रकार का चार्ट एनालिसिस फिर से हम करने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल टाइम शेयर की प्राइस यहाँ पे देखा जाए तो 2.75 रुपये पर ट्रेड करते हुए नजर आएगी और उसी 5 दिन की अगर बात की जाए, पिछले 5 ट्रेड की यहाँ पे बात की जाए तो उसमें भी दोस्तों फंडामेंटल उसी प्रकार का आप लोगों को नजर आने वाला है। 2.65 रुपये तक की जो शेयर में प्राइस भी गिरावट आप लोगों को नजर आएगी। अब इस बीच अगर पिछले 1 महीने का फंडामेंटल देखें तो उसमें गिरावट अभी भी ऑलरेडी जारी यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों, क्योंकि शेयर के जो प्राइस थे वो इस लेवल पर 2.40 रुपये पर काफी ज्यादा गिरावट में देखने को मिली। 2.35 रुपये तक आप लोग को गिरावट यहाँ पे 52 लो वीक में आप लोग को ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। अब कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों वो यहाँ पे 260 करोड़ का ऑलरेडी यहाँ पे नजर आ रहा है। अब एक्सपर्ट की राय जो देखने को मिल रही है उसमें ये देखने को मिला कि क्वार्टर फोर में कंपनी एक बार फिर से अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकती है, पर इंपॉर्टेंस ये देखने को नजर आ रही है कि कंपनी किस टाइम अपना डाटा रिवील करने वाली है। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे देखा जाए वर्तमान टाइम में अभी के टाइम जो डेट दोस्तों देखने को मिल रही है वो ऑलरेडी आज दोस्तों 23 अप्रैल यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब 23 अप्रैल ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। अब महीने के इस अंत तक दोस्तों अगर कंपनी जो है डाटा अपना जो फाइनल डेट है वो यहाँ पे रिवील करने के बारे में अगर बताती है, अब कंपनी अगर मानो दोस्तों 10 मई अपना डाटा जो है रिवील करने के बारे में बताती है तो शेयर होल्डर्स को ये लगता है कि कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी क्वार्टर फोर में के अंदर तो तभी दोस्तों उसमें शेयर होल्डर्स की जो बाइंग लाइन है वो अब अच्छी खासी बन जाएगी, बायर्स की जो लाइन है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। क्योंकि कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती है और शॉर्ट टाइम में आप लोगों को प्रॉफिट आप लोगों को लेना है तो इस वजह से शेयर होल्डर अच्छी खासी जो बाइंग क्वांटिटी है वो आने वाले 15 से 20 दिन के लिए होल्डिंग पर बना देते हैं। अगर जिस प्रकार की होल्डिंग अगर आप बनाते हैं और उस टाइम कंपनी को प्रॉफिट अगर अच्छा खासा बन जाता है तो कंपनी के शेयर में जंप जो है अच्छे खासे नजर आ जाती है और शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा रिकवर होता हुआ नजर आ जाएगा। तो अगर इस प्रकार का कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे रिवील होता है और इस प्रकार का प्रॉफिट अगर शेयर होल्डर्स का रिकवर यहाँ पे होता है तो शेयर होल्डर्स का दोस्तों जो अच्छा खासा प्रॉफिट तो बन जाएगा और शेयर में दोस्तों अच्छी खासी फंडामेंटल में रिकवरी ऑलरेडी हो जाएगी। पर फिलहाल टाइम दोस्तों इस प्रकार की जो उम्मीद है वो लगभग देखा जाए तो दोस्तों 40% की नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों शेयर की जो प्राइस है वो ऑलरेडी 95 पैसे पिछले 6 महीने के अंदर ऑलरेडी गिर चुकी है और 25 साढ़े 26% के आसपास 25% के आसपास की गिरावट में जा चुकी है। अब इस प्रकार का फंडामेंटल दोस्तों कम कंपनियों में ही नजर आता है और हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों जो प्राइस जो नजर आएगी वो 3.95 रुपये तक नजर आएगी और अगर मान हाईएस्ट वीक की प्राइस की बात की जाती है तो उसमें 5.65 रुपये तक नजर आने वाली है। फिलहाल दोस्तों बेसिक जानकारी की ओर आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ, उससे पहले बता दूँ चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से सिलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों बेसिक में अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट कैप 261 करोड़ का ऑलरेडी नजर आने वाला है। स्टॉक्स पी पर भी दोस्तों अच्छी खासी रिकवरी ऑलरेडी नजर आ रही है। अब इस बीच यहाँ पे ऑल ओवर का जो रिटर्न है और रेवेन्यू है वो भी अच्छे खासा रिकवर देखने को मिलने वाला है। रिटर्न्स तो दोस्तों 7.05% का नजर आ रहा है, उसी बीच यहाँ पर रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो 0.76% का रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव में रन करता हुआ नजर आने वाला। अब इस बीच यहाँ पे दोस्तों 1 रुपये की फेस वैल्यू ऑलरेडी नजर आ रही है और बुक वैल्यू 2.46 रुपये। अब इस बीच अगर फंडामेंटल बाकी देखा जाए तो उसमें जो पॉजिटिविटी है वो कंपनी ऑलरेडी कर्ज मुक्त यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है और स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से 1.12 गुना पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अब इस बीच अगर जो पॉजिटिविटी और देखने को मिल रही है वो क्वार्टर फोर से अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ पे आने की उम्मीद यहाँ पे जताई जा सकती है और कंपनी जो गिरावट की जो वजह में जो मानी जा रही है दोस्तों वो यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि कंपनी जो ब्याज एवरेज अनुपात है वो यहाँ पे कम देखने को मिली और पिछले 5 ईयर में देखा जाए तो 7.5% की जो सेल है उसमें गिरावट आ चुकी है और प्रमोटिंग होल्डिंग भी दोस्तों 9.29% गिरावट में जा चुकी है। अब इस बीच यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों कंपनी जो है वो 8वें नंबर पर ट्रेड करती हुई नजर आने वाली है प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर के अंदर। अब इस बीच अगर जो बेसिक में यहाँ पे देखा जाए तो क्वार्टर थ्री की अगर यहाँ पे बात की जाए तो जो कंपनी को जो नेट प्रॉफिट जो देखने को मिला था वो 2.85 करोड़ का ऑलरेडी नजर आया था। अब इस प्रकार का फंडामेंटल दोस्तों क्वार्टर फोर में देखने को मिलता है तो कंपनी की अच्छी खासी जो प्राइस है वो भी गेन होगी और कंपनी को शेयर होल्डर्स को भी अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आएगा। पर इस बीच जो कंपनी की जो सेल देखने को मिली थी दोस्तों क्वार्टर थ्री के अंदर कंपनी की जो सेल थी ऑलरेडी 111 करोड़ की यहाँ पे नजर आई थी। क्वार्टर टू की अगर बात की जाए तो 134
0.33 करोड़ की नजर आई थी। अब यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी जो सेल में बढ़ोतरी जिस प्रकार होती हुई नजर आ रही है, अगर इस प्रकार की बढ़ोतरी सेल में अच्छी खासी देखने को मिलती है क्वार्टर्स के अंदर, तो कंपनी बड़ी फंडामेंटल में रिकवर होगी और शेयर में भी अच्छी खासी सुधार यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब वर्तमान टाइम में दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी को बिल्कुल भी कर्जा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। वर्तमान टाइम में कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है और कल वापस से शेयर में बड़ी तेजी आने की उम्मीद जताई जा सकती है। फिलहाल के टाइम दोस्तों आपका क्या फंडामेंटल रह सकता है इस शेयर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, जो भी चैनल में नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नजर में कोई पेन स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।